मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर। प्यार से दोस्तों, आज का वीडियो में जो लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको दोस्तों बता दूं, ये जो टॉपिक है वह मॉडर्न हिस्ट्री का है। दोस्तों आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्यारे साथियों दिल थाम के बैठेंगे, और आज का जो टॉपिक है प्यारे साथियों वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, माने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप समझते हैं INC की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज मिलकर के सीखते हैं, समझते हैं। तो फटाफट आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस प्रकार के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज लाता रहता हूँ, और प्यारे साथियों डेली रात को ठीक 9 बजे में आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लास भी लेता हूं, जो अलग अलग टॉपिक पे चल रही है। तो सभी का करते हैं स्वागत। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे प्यारे साथियों, तो स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया था कि INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। साथियों अगर हम बात INC की करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की करें, तो प्यारे साथियों विभिन्न प्रकार की जो सिविल सर्विस है, वो चाहे IAS हो, PCS हो, और स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स हैं UP लेखपाल और पुलिस आदि की जो एग्जाम, SSC आदि की जो एग्जाम है, वहाँ के लिए प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं सीधे तौर पे प्यारे साथियों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आज अधिक से अधिक मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। दोस्तों पहली बात यह है कि अगर हम बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करें प्यारे साथियों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह अवकाश प्राप्त, ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी कौन थे प्यारे साथियों, एलन ऑक्टोबिन ह्यूम की बात कर रहे हैं, माने AO ह्यूम के द्वारा प्यारे साथियों 1885 में की गई थी। बहुत जरूरी बात है, बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, किताबों में अक्सर लिखा होता है, माने AO ह्यूम की बात प्यारे साथियों करते हैं, माने एलन ऑक्टोबिन ह्यूम। और साथियों ध्यान रखेंगे AO ह्यूम की अगर हम बात करें, वह जो है इटावा माने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जिलाधिकारी भी रहे थे। और बात AO ह्यूम की कर रहे हैं प्यारे साथियों, वह ऑर्निथोलॉजी के अच्छे जानकार थे। बात कर रहे हैं ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बात बताई AO ह्यूम की, ठीक है ना। दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, 18 दिसंबर 1885 को दोस्तों कहां पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, माने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। साथियों इस बात को विशेष तौर पर ध्यान से रखिएगा, ठीक बात। आगे की बात अगर करें तो इसमें से प्यारे साथियों जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये बहुत जरूरी बात है, आपसे पूछा भी गया है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था प्यारे साथियों, उसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, दिनेश एदलजी वाचा और काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचार्य और NG चंद्र वकर और S सुब्रमण्यम जी ने हिस्सा लिया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आपको अतिरिक्त बात बतानी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है पता, सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने डाला हुआ है YouTube चैनल पर, आप प्लीज उसे विजिट करिएगा। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के लिए जो वेबसाइट बनाई है, माने utkarshbhajan.blogspot.com जो वेबसाइट बनाई है प्यारे साथियों, उसमें मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। और बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है और वीडियो को देखा है, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप में से किसी भाई ने अगर इसको नहीं पढ़ा है, आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अगली इसी में, तो जो मुंबई में प्यारे साथियों जो अधिवेशन हुआ था उसकी अतिरिक्त जानकारी, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी, प्यारे साथियों अब तो याद आ गया होगा ना, दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। और साथियों भारत में राजनीति के भीष्म पितामह की बात अगर करें, ठीक है ना, राजनीति के भीष्म पितामह की बात करें, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये परिवर्तित ईसाई थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इनके सुझाव पर क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था उसका नाम बदल करके क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस कर दिया गया। बात कर रहे हैं यूनियन की, प्यारे साथियों यूनियन की जगह जो है कांग्रेस कर दिया गया, इस जरूरी बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, प्यारे साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें, पहला जो अधिवेशन था उसमें कौन हिस्सा, किसने हिस्सा नहीं लिया, तो दोस्तों टिक लगाना होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बात पे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माने WC बनर्जी की बात कर रहे हैं। और कब बने थे, माने 1885 में बने थे, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगली बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ यूनियन की बात कर रहे हैं, जिसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था लेकिन वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण, प्यारे साथियों बंबई में इसे आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे की बात करते हैं साथियों, तो अगली बात कुछ इस प्रकार से है, आपको हम लोग बता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ को अगर हम बात करें साथियों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ को। ठीक है ना, और यहीं पे अगली बात आपको बता दें साथियों, तो अगली बात कुछ इस प्रकार से है कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह कोलकाता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन जो था थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं वह मद्रास में आयोजित हुआ था, और चौथा अधिवेशन जो था प्यारे साथियों इलाहाबाद में हुआ था। और जब चौथे की बात आ गई है तो 1888 को आयोजित हुआ था इलाहाबाद में, माने वर्तमान में इसको प्रयागराज के रूप में जानते हैं। और बात आ गई है इलाहाबाद की तो जॉर्ज यूले, दोस्तों ध्यान रखेंगे मैं आपको लिख करके बता देता हूँ प्यारे साथियों, जॉर्ज यूले जो थे या की बात कर रहे हैं, जॉर्ज यूले यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, माने पहले अंग्रेज अध्यक्ष अथवा पहले ईसाई अध्यक्ष अथवा पहले विदेशी अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी बात कर रहे हैं। अब यहीं पे दोस्तों अधिवेशन जो हुए हैं उससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, माने 1891 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, माने ध्यान इंपॉर्टेंट बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है वो जोड़ा गया था 1891 में नागपुर अधिवेशन में। अगली बात करते हैं दोस्तों 1896 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपना स्वरचित गीत कौन सा, वंदे मातरम गाया गया था, इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था माने 1906 की बात कर रहे हैं, उसमें साथियों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो भाषण दिया था वह स्वराज का उल्लेख किया था अपने भाषण में। और बात दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं तो साथियों ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये बहुत जरूरी बात है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगली बात है दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, दोस्तों सावधान हो जाइए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था यहीं पर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है ना, प्रथम विभाजन हुआ था। और आपसे पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी, तो प्यारे से दोस्तों ध्यान रखेंगे रास बिहारी घोष ने की थी, घाघड़ी की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, रास बिहारी घोष ने जो है इसमें अध्यक्षता करी थी। और बात 1907 की अगर करें तो 1907 में जो नरम दल तथा गरम दल में जो प्यारे साथियों क्या हुआ था, नरम दल गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये जरूरी बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात करते हैं कांग्रेस के प्यारे साथियों कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में साथियों पहली बार RN टैगोर माने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हैं द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्हें 1913 में प्यारे से साथियों साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था गीतांजलि के लिए, काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक बात, पढ़ते हैं अगली बात पे। लखनऊ का जो दोस्तों 1916 का जो अधिवेशन था, बड़ी जरूरी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 1916 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, विभाजित गुट एक हो गए, माने बात कर रहे हैं गरम की और बात कर रहे हैं नरम की। हमने आपको बताया भी कि 1907 में कांग्रेस का गरम और नरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है ना, अगर गरम दल के नेता की बात करें तो लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक
और विपिन चंद्रपाल जी की बात कर रहे हैं। ये तीनों लोग जो थे वो गर्म दल में थे और नरम दल के रूप में कुछ और नेता लोग थे जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले आदि महत्वपूर्ण थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बात पे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है साथियों 1916 में जो हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक बात, बढ़ते हैं अगली बात पे। 1920 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था प्यारे साथियों, वह गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की। दोस्तों यहाँ बड़ी सावधान आपको रहना है कि लाल बाल पाल की अगर हम बात करें, सवाल पूछा गया है कि लाल बाल पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर लाला लाजपत राय पे आपको टिक लगाना है। माने एकमात्र यही है गरम दल के नेता जो इसके अध्यक्ष बने थे, माने एक विशेष अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसमें जो बनाए गए थे लाला लाजपत राय, तो 1920 जो में बने थे कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था जो 1920 में आयोजित हुआ था उसमें संवैधानिक और वैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति के लक्ष्य को बदलकर अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया था। बात कर रहे हैं 1920 के अधिवेशन की। ठीक बात, और यहीं पे मैं आपको बता दूं कांग्रेस का जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था, माने 1921 में प्यारे से साथियों में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था वह सी आर दास जी का चुनाव हुआ, परंतु उनके जेल में होने के कारण से जो अध्यक्षता करी गई थी वह हकीम अजमल खान जी के द्वारा की गई थी। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं 1923 में, तो काकीनाडा जो अधिवेशन हुआ था काकीनाडा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना प्यारे साथियों की गई थी। बहुत जरूरी बात, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बात पे। तो प्यारे साथियों 1926 की अगर हम बात करें, 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी, दोस्तों ध्यान रखना सवाल पूछा गया है, खादी पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। कब, गुवाहाटी सम्मेलन, बात कर रहे हैं 1926 की। ठीक बात, अब अगली बात अगर करते हैं तो ये बहुत जरूरी बात है, आपसे पूछा जा चुका है साथियों लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो भैया अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है ना, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य जो निर्धारित किया था वह पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था, माने वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं होगी, हमें पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य नेहरू जी के द्वारा निर्धारित किया गया था। और दोस्तों यहीं पर बात बनती है, इस 1929 में ही पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया था। ये बहुत जरूरी बात आपसे एग्जाम में कई बार साथियों पूछी गई है। अब बात करते हैं कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ है वह कब हुआ था, दोस्तों 1931 में आयोजित हुआ था, और बात कर रहे हैं इसमें अधिवेशन में तो मौलिक अधिकारों माने फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पास किया गया था। और इस सम्मेलन में प्यारे से साथियों जो कराची प्रस्ताव था उसमें कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक, इंपोर्टेंट बात पढ़ रहे हैं हम लोग, मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, ये जरूरी बात थी। दोस्तों बात कर रहे हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की, तो दोस्तों 1936 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी के द्वारा की गई थी और पहली बार ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में कम्युनलिज्म अर्थात साम्यवादी की व्याख्या उनके द्वारा की गई। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फेसबुक पेज बनाया है जिसका नाम है उत्कर्ष विजन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उस फेसबुक पेज पर डालता रहता हूं, आप प्लीज इसको फॉलो करिएगा। जब आप फॉलो करेंगे तो फॉलोइंग लिख के आने लगेगा, आप दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, पता है क्या, सी फर्स्ट ऑप्शन आएगा, आप प्लीज उसे ओके कर देंगे, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर देंगे तो विश्वास मानिए सबसे पहले सामान्य अध्ययन आपके फेसबुक प्रोफाइल पर आसान भाषा में पहुंचने लगेगा, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। दोस्तों बात कर रहे हैं 1938 की, तो 1938 का जो
कांग्रेस अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों, वह हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा माने कहाँ, गुजरात की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक गांव हुआ करता था और इसकी अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता साथियों की गई थी। और यहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस का जो अगला ही हुआ था माने 1939 की अगर हम बात करें तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और बात त्रिपुरी की कर रहे हैं तो त्रिपुरी जो क्षेत्र है कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ, चुना गया। लेकिन गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया को की पराजय जब हो गई तो आहत गांधी जी के विरोध में, गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष, उन्होंने अस्वेच्छा से अपना जो है इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों शेष अधिवेशन जो था उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था, तो त्रिपुरी संकट में यही समस्या हुई थी कि पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। गांधी जी से मतभेद होने के कारण, जो गांधी जी उसमें सम्मानित पुरुष थे, ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है नैतिकता के आधार पे वहां पे क्या इस्तीफा दे दिया। जब समस्या उत्पन्न हुई तो शेष कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों क्या हुआ, अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया। ये जरूरी बात भैया ध्यान में रखेंगे, ठीक बात। बढ़ते हैं अगली बात पे दोस्तों। कांग्रेस का जो रायगढ़ अधिवेशन था उसमें 1940 में बड़ी जरूरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, अर्थात आचार्य जेबी कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की आजादी के समय की अगर हम बात करें तो 1947 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव, महिला अध्यक्षा होने का गौरव दोस्तों किसे मिला है? तो मैं आपको बता दूं, श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में वो जो है अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात साथियों, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्षा कौन थी, वह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की बात आती है 1925 में। प्यारे से साथियों 1925 में कानपुर अधिवेशन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार क्या अध्यक्ष बनी थी। तो सवाल पूछा जाता है वह कौन सी भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो दोस्तों टिक लगाएंगे सरोजिनी नायडू जी की, माने भारत कोकिला के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। प्लैंक क्वीन बियरर नामक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, ये वही सरोजिनी नायडू जी हैं जो यूपी की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन था जिसे बेलगांव अधिवेशन कहते हैं साथियों, 1924 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। दोस्तों यहां मैं बता दूं, सावधानी से सुनेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी है, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये इसके अध्यक्ष बने थे। अगली बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की अगर हम बात करें तो संस्था के रूप में किसने जो है काम रूप किसने प्रदान किया था, एलन ऑक्टोबिन ह्यूम, माने अभी मैंने आपको बताया था संस्था के रूप में उन्होंने इसकी वह गठन किया। अगली बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं। अगली बात, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्यारे साथियों बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 1887 की बात कर रहे हैं, माने पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त हुआ था। इस बात को साथियों ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं चलते चलते प्यारे साथियों, कि कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अथवा ईसाई अथवा विदेशी जॉर्ज यूले थे 1888 में प्रयागराज माने इलाहाबाद में जो है जो उनका जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें ये चुने गए थे, जॉर्ज यूले की बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की पूर्वगामी संस्था की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो दोस्तों उस समय 1884-85 की बात करें तो लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे और वो जो है उस तत्कालीन वायसराय थे, बात कर रहे हैं अंग्रेजी शासन की, ठीक है ना। अगली बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस की, अगर हम बात करें कांग्रेस लोगों का, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वह लोगों का समूह है जिसकी उत्पत्ति जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मानी जाती है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बार
कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको बताया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वाधिक बार वो अध्यक्ष बने थे। अगली बात, कांग्रेस, इंपोर्टेंट बात है साथियों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ था 1916 में। और मैं यहाँ पर प्यारे साथियों आपको बता दूं, इससे हम लोग जानते हैं लखनऊ समझौते के रूप में, लखनऊ पैक्ट के रूप में इसी को जानते हैं, 1916 में जो अधिवेशन हुआ था। अगली बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अलग अलग विचारों के अलग अलग मत हैं, वो क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं, सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं। दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास है सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों कांग्रेस के बारे में लोगों ने जो अपने विचार कहे हैं, उसमें पहला विचार आता है, कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा है। बात कर्जन की कर रहे हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें, उसमें वाइस राय हुआ करते थे, ये वही लॉर्ड कर्जन हैं जिनके द्वारा 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और 1905 में ही काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना हुई इनकी पत्नी की मांग पर, और 1905 में ही प्यारे साथियों बंगाल का भी विभाजन हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। किसने? लाला लाजपत राय जी ने ये वाली बात कही थी। अगली बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है किसी एग्जाम में, ये बात किसने कही है, माने बंकिम चंद चटर्जी की बात कर रहे हैं। अगली बात साथियों, बिपिन चंद्र पाल जी की अगर हम बात करें, इसे याचना संस्था, याचना सभा कहा, याचना की संस्था कहा था कांग्रेस को बिपिन चंद्र पाल जी ने, दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात है, कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा है कि वह जनता का उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये बात जो है डफरिन ने कहा था, मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय अगर हम वायसराय की बात करेंगे तो डफरिन हुआ करते थे। अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के बारे में, ये किसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में मदद कर सकूं या उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु देख सकूं। ये बात वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ये सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, प्लीज इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। अगली बात साथियों, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है कहा था कांग्रेस का जो सम्मेलन है दोस्तों 3 दिनों का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त जी ने अपनी बात कही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे तिलक लिखा हुआ है, ये वही तिलक है जो बाल गंगाधर तिलक के रूप में जाने जाते हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते रहे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये लाला लाज जो है बाल गंगाधर तिलक जी के विचार थे। जब बात तिलक जी की आ गई है तो सोचा आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं। दोस्तों बात तिलक जी की अगर हम करें तो ध्यान रखेंगे वैलेंटाइन, दोस्तों ध्यान रखेंगे वैलेंटाइन सिरोल का नाम आता है, तिलक से जुड़ता है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया आपसे। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो इंग्लिश का टर्म है वो इनके द्वारा दिया गया था। बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह, ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आज का वीडियो समाप्ति की ओर है। मैं सभी साथियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात कर रहा हूं उत्कर्ष विजन की प्यारे साथियों, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर प्यारे दोस्तों समसामयिक की आप तक सरल भाषा में पहुंचाना ही मैं दृढ़ संकल्पित हूं। और यही मैं आपको बता दूं, यूट्यूब, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट आदि पे विजिट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। यही बात मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा था दोस्तों, ये जितनी भी लिंक हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं समान अध्ययन अलग अलग फॉर्मेट में आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।